नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। देश की राजनीति में कांग्रेस ने बीजेपी और बसपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल बीजेपी और बसपा के कई बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, यूपी अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्हें दिल्ली में पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में शामिल कराया। दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं बीजेपी को भी झटका देते हुए लाल सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दे, लाल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं। झारखंड के बीजेपी नेता जय प्रकाश पटेल ने भी अब कांग्रेस का ही दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि उनके पिता टेकलाल महतो ने झारखंड को संवारने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के संकल्प के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब दुख जताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के सपनों को बीजेपी के दल में नहीं पूरा कर पाए। उनका कहना है कि झारखंड में अपने पिता के सपनों को पूरा करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खबर है कि राजस्थान के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस का हाथ थामेंगे। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और गुंजल कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।